बहुत ही जबरदस्त नजारे पूरे के पूरे रहता है। थैंक यू फॉर विजिट टू ड्रैगन पैलेस टेम्पल। हाँ हाँ, अरे हाँ यार, मेरा ध्यान ही नहीं। चलो गाइस, ड्रैगन पैलेस के बुद्धा जी के दर्शन हो चुके हैं हमारे। ड्रैगन पैलेस जो कामटी में है, ड्रैगन पैलेस टेम्पल कामटी। चलो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से निकलने के बाद में हम दूसरे डेस्टिनेशन के तरफ में बढ़ रहे हैं। तो फिर बढ़ रहे हैं हम ड्रैगन पैलेस से अभी दूसरे डेस्टिनेशन के तरफ में। बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या ही बताऊँ अभी आपको मैं। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। ए भाई, आ रहा है अभी, धीरे 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 बढ़ा जाएगा अभी आगे में, तो ही पता चलेगा हर चीज। थैंक यू फॉर विजिट टू ड्रैगन पैलेस टेम्पल। चलो फिर गाइस, मिला जाए अभी आगे में, निकला जाए अभी आगे में। चलो गाइस, ये हाईवे है अभी, NH 47 हाईवे दिख रहा है। ऐसे अभी हम निकल रहे हैं, बहुत अभी निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा रुक गए थे एक सेकंड के लिए, या ऑटो वाला ओवरटेक करते हुए। क्या बात है भाई, मजाक बात नहीं है। नहीं भाई, ट्रक वाला तो देखो सहलका कर रहा था अभी थोड़ा सा। भाई साहब, गाड़ियां बड़ी बजाते हुए लोग, आड़ी टेढ़ी जैसे कि है भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक तरीके से बजा रहा था गाड़ी। अच्छा लग रहा है यार, मैं क्या ही बता रहे, छोटी तरह पे बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त। देखो अरे भाई साहब, जबरदस्त गाड़ी बजाती हुई, एकदम खतरनाक लहराते हुए। वेदर देखो कितना प्यारा हो गया है, और आसमान क्या भी हो गया 437। भाई कैसे कैसे कर रहे हैं गाड़ी वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो बढ़िया पब्लिक बिठा के लेके जा रहा है भाई साहब, पकड़े में। चलो भाई देखते चलो, अभी रोड के मजे लेते चलो। तो भाई पंडुर ना आ रहा है यहाँ पे, अपने को कौन से रोड पे जाना है, क्या करना है कुछ मालूम ही नहीं यार। इधर पूछा जाए ये भाई को। आधा सा ढापे वाला गया, आधा सा मंदिर। यार भाई नया बोलते है, बाबा जी दिख रहा है। बाबा जी आधा सा जाना, आधा सा, आधा सा। चलो भाई, और देखते हैं अभी। भाई साहब ये जो नजारे है ना भाई साहब, ये जो नजारे दिख रहे हैं आपको, बहुत ही जबरदस्त नजारे, पूरे के पूरे नजारे देखो ना। इतना जबरदस्त स्टोन दिख रहा है, मैं सारा का सारा मैं क्या ही बताऊं। अरे अल्लाह की कुछ है, मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अरे रोड ही इतने बेहतरीन है, और हाईवे तो अपने छोड़ ही दो, अपने इंडिया के हाईवे बोले तो बहुत ही जबरदस्त है, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, बिंदास वाला हिसाब है। देखो ना कितना शानदार हाईवे वाला ऊपर गया ये, और हमको इधर के रोड से जाना है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमको गांव से जाना है, हम जा रहे हैं आधा सा, जो गणपति जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है वहां पे जाने के बाद में। तो बोला चलो चला जाए, क्योंकि काफी देर से हम राइडिंग ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट गणपति जी के दर्शन हो जाएंगे, तो अपन जाते हैं दर्शन लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रही है गूगल माता? देखो भैया गूगल माता क्या बोल रही है, कहाँ का बोल रही है गूगल माता? साहेब आधा सा ढापे वाला सर ना, थैंक यू। देखो भाई कितना मस्त था, बढ़िया, क्या तोड़ रहे है यार ये, क्या है वो मुझे नहीं मालूम, बढ़िया मस्त तोड़ रहे है। और एग्रीकल्चर लैंड है पूरा का पूरा, एग्रीकल्चर टोटली एग्रीकल्चर लैंड है ये, तो कितना मस्त लगता है ना जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड रहते है, लैंड है, बहुत अच्छा लगता है वहां पे रहना, बहुत पसंद है मुझे एग्रीकल्चर का। और भाई चूल्हे के ऊपर का खाना बना के खाने में बहुत ज्यादा पसंद है भाई, जिसको भी पसंद है चूल्हे के ऊपर का खाना प्लीज जरा कमेंट करके बताओ, साथ में बैठ के एक आध दिन
सभी जन बैठ के एक आधी बना ही लेते, एक आधी पार्टी वार्टी कर लेते, वालों को मजा आ जाएगा, है ना। तो भाई मिलते हैं आगे में मंदिर जाने के बाद में, देखते हैं अभी जो भी है आपको दिखा पाते। पर पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर अभी उतना नहीं दिखा पाऊंगा मैं, पर एग्रीकल्चर पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपको आगे में जाने के बाद में। चलो गाइस एक गांव लग गया आधा सा धापे वाला का, आधा सा का भाई बड़ा ही जबरदस्त है, गांव भी दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि क्या आप लोग गांव देख नहीं पाओगे ना आके, पूरी इंडिया की पब्लिक और बाहर की भी। तो ये देखो घर भी बड़ा शानदार बना थी यार गाँव में। भाई देखो कहाँ पे दिखा रहा है, आधा सा धापे वाला, आधा सा मंदिर, मंदिर जाना है मंदिर, हाँ हाँ उधर से है क्या, चलो ठीक है, उधर से भी जाता ना, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई। ये भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत सालों के बाद में आया ना, हाँ नहीं नहीं वो गणपति के मंदिर जाना है, कौन सा रास्ता है, वो गाड़ी जा रही हो, अच्छा ऊपर वाला रोड है, अरे बाप रे बहुत ही खतरनाक दिख रहा है मुझे तो। भैया गणपति के मंदिर जाना है, थैंक यू। ओहो ये रोड है, आखिरकार मैं गांव के अंदर घुस गया था, वो भैया ने बताया, अरे बाप रे थैंक गॉड, बहुत दिनों के बाद आए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा नया नया लग रहा है। ये तो जब कॉलेज लाइफ में थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो पूरे ग्रुप हम लोग घूमने के लिए आने के, पर अभी बहुत सालों के बाद में आ गया, 10 साल के बाद में मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, 10 साल से भी ज्यादा, 10-11 साल पकड़ लो, मैं उसके बाद आ रहा हूँ तो क्या एकदम से ध्यान में नहीं आया। चलो फिर जो भी है भाई साहब, देखो यार मजे करो, बहुत ही अच्छा व्यू है इधर का, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है ये साइड का, बहुत अच्छा देखने लायक है सब कुछ यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करते हैं और फिर घर के तरफ में जाया जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, अभी इवनिंग के हो गए 5:04। तो अगर टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है यार, अभी करेंगे क्या, क्योंकि टाइम ही नहीं है, और टाइम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी पूछते पूछते जाएंगे, ये है, अरे भाई साहब ये बात क्या बात, भैया गणपति का मंदिर किधर है, अच्छा चलो भाई मंदिर इधर है, ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है वाला, बहुत ही जबरदस्त था क्या यार, मैं बहुत बे यार, गाड़ी पार्किंग है वाला, स्कैनर है क्या, तो बेचारा लगे ना तो आफत है, हाँ है ना, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका नाम बता दीजिए। अरे वाह यहाँ पे काम करते हो आप, कितने साल से काम कर रहे हो आप, अरे बाप रे लंबा है, वर्किंग अच्छा है भैया का है कि नहीं, लाइए एक मिनट दीजिए भैया को, आपका भी नाम बता दो सर, हाँ क्या मालक है, अरे वाह सेट है बोलते इनके वाले, एक मिनट सेट,